हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पुदीना के औषधीय गुण। पुदीने को हम लोग सभी लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, चटनी के रूप में, शरबत के रूप में, कई तरह से। तो कुछ और ऐसे गुण जो हम लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं पुदीने में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पुदीना यह हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक तत्वों को तो बाहर निकालता ही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यदि आपके गले में खराश है, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक और पानी मिलाकर जब आप कुल्ला करते हैं तो आपका गला ठीक हो जाता है। पुदीने को सलाद में मिलाकर खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं तथा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। यदि किसी को हिचकियां आ रही हो तो उनको यदि हम आधा चम्मच पुदीने का रस दें तो उनकी हिचकियां रुक जाती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार में भी पुदीना बहुत लाभकारी होता है। यदि पुदीने के रस को काला नमक और काली मिर्च मिलाकर उसको काढ़ा बनाया जाए और उसको सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए तो उसको भी लाभ प्राप्त होता है। पुदीने की चटनी खाने से भूख खुलती है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। रात में यदि पुदीने की 4 से 5 पत्तियां चबाकर ऊपर से पानी पीकर अगर हम सो जाते हैं तो जो आंतों में कृमि होते हैं वो निकल जाते हैं। पुदीने के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर यदि स्किन पर लगाया जाए तो चर्म रोग से भी छुटकारा मिलता है। यदि किसी को चोट लग गई है या कोई घाव हो गया है तो वहाँ पर पुदीने की चटनी बनाकर उसका यदि लेप किया जाए तो उसे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। पुदीने के रस में जरा सा काला नमक और शक्कर मिलाने से, चीनी मिलाकर पीने से शरीर में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज पुदीने के प्रयोग। मुझे बताइए कि ये प्रयोग आप लोगों को कैसे लगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।